लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अतुल्यम ग्रुप। आप सबका स्वागत है इस अतुल्यम ग्रुप पे, जहां हम दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं और आपको रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। आज नोएडा के सबसे रेनाउंड डेवलपर भूटानी का एक प्रोजेक्ट लेके आपके पास आए हैं। जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 62 में है और सेक्टर 62 जो है वो हाईली एंड डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। जैसे कि आप सेक्टर 9 में आते हो या द्वारका में, दिल्ली में, तो आपने देखा होगा सीजीएचएस के सबसे पहले जो फ्लैट्स बने थे वो यहीं पे बने थे। और जो 62 में नोएडा में सबसे पहले सीजीएचएस के फ्लैट्स बने थे, चाहे वो इंडियन ऑयल के हो या बाकी कंपनीज के हो, तो वहाँ पे सीजीएचएस के फ्लैट्स हैं। वहीं पे साथ में इंस्टीट्यूशनल एरिया भी है जहाँ पे फिजिक्स वाला का क्लास है, विद्यापीठ का क्लास है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस एरिया में हैं जहाँ पे पीजी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती रहती है। इसके अलावा साथ में ही जो है वहाँ पे आईटीआईटीएस के बहुत सारे प्लॉट्स हैं और आईटी कंपनी वहाँ पे ऑपरेशनल है। तो वहाँ पे लगभग जो आबादी की हम बात करते हैं, जो वर्किंग आबादी की बात करते हैं, तो लगभग 4 से 5 लाख लोग डेली वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, जिसमें एक अमर उजाला का भी हेड ऑफिस और प्रिंटिंग ऑफिस वहीं पे है। सो इतने सारे लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड रिटेल वहाँ पे कुछ भी नहीं है इन भीड़ को कैटर करने के लिए। इनफैक्ट वहाँ पे साथ में ही एक ट्रेनिंग एकेडमी है, एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लगभग 5,000 लोग एग्जाम देने के लिए आते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके बैठने के लिए वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पे कोई मॉल हो, अगर वहाँ पे कोई रिटेल हो, तो वहाँ पे वो बैठ के जब तक उनका जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है तो 3 घंटे वो आराम से बैठ सकते हैं। सो इन्हीं सब आईटी कंपनी में और एजुकेशन आपको देखते हुए वहां पे जो भूटानी ग्रुप है वो वहां पे अपना 62 एवेन्यू लेके आया है। ये जो एरिया है ऑलरेडी डेवलप एरिया है, यहाँ पे ए बी सी डी टावर है और ये ऑपरेशनल है। बड़े सारे जो आईटी जायंट्स हैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी के ठीक सामने लगभग 1.25 एकड़ में ये 62 एवेन्यू हम लेके आए हैं, भूटानी ग्रुप इसको लेके आया है। भूटानी के बारे में आपको बता दूं कि दिस इज अ डेट फ्री कंपनी, इसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, अपना खुद लैंड परचेज करके आगे काम करते हैं। दूसरा, इनको हमेशा एक आइकॉनिक चीजें बनाने की आदत है, लाइक अल्फा थम में जो इन्होंने ऊपर इंफिनिटी पूल बनाया हुआ है, या साइबर थम जो इंडिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहा है, सो आइकॉनिक इमारत बनाने का इनका इतिहास रहा है। तो भूटानी ग्रुप जो 62 एवेन्यू लेके आए हैं, इसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और उसके ऊपर जो है ऑफिस स्पेसेस हैं, जो कि लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस हैं, और इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट है। सो बेसिकली आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे यहाँ पे फूड कोर्ट की, बिकॉज वहाँ पे फूड कोर्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बाहर जाएंगे, जो भी आईटी के प्रोफेशनल हैं, तो बाहर रेडी पटरी वगैरह पे खाना खाते हुए आपको नज़र आ जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पे हम एक फूड कोर्ट लेके आए हैं 4th फ्लोर पे। जो इसका रेट है वो बहुत ही रीजनेबल रेट है, इसका जो रेट है वो 21,990 रुपये का रेट है, साथ में 1,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो 20,990 रुपये का ये प्राइस आता है। मिनिमम एरिया जो है आपका 200 स्क्वायर फीट आता है, तो लगभग की है कि ये इन्वेस्टमेंट जो आपको बैठेगी लगभग 44-45 लाख रुपए के आसपास ये आपको इन्वेस्टमेंट बैठती है, अदर चार्जेस वगैरह मिला के। अगर और इसमें जो है आपको जो रेंटल आएगा वो 12% का रेंटल इनकम डे 1 से आपको आना शुरू हो जाएगा, और जब हम इसको हैंडओवर कर देंगे तो हैंडओवर के बाद ये अगले 9 साल तक लीज पे चढ़ा हुआ है। 3 साल की मिनिमम गारंटी लीज की दी हुई है, जो कि 138 रुपए है, वो जो लगभग 27,000 रुपए के आसपास का रेंट आपके पास आएगा। आप ये चाहते हैं कि अगर आपको रेंटल इनकम हर महीने ना आके इकट्ठे आपके पास आए, तो आप इकट्ठे भी रेंटल इनकम लेके अपने प्राइस में एडजस्टमेंट करवा सकते हो 17,990 रुपए का, तब आपका प्राइस आएगा। तो उसमें आप अपना GST बचा लोगे, उसमें अपना जो इनकम आपके पास आएगी, आई एम श्योर जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 30% के टैक्स लाभ में होंगे, तो आप अपना टैक्सेशन वाला जो पैसा है 30% वो भी बचा लोगे, बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्न, और टैक्स बचाना ही सबसे बड़ी जो होती है कि 30% का रेंटल इनकम आपको 30% का नेट यील्ड ROI कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं देता है, तो अगर आपने टैक्स ही बचा लिया तो वो आपकी सेविंग हो जाएगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप
फेसबुक पे देख रहे हो और इंस्टा पे देख रहे हो तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस आपको नए अपडेशन के साथ लगातार मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।